रात हो गया उठो नहीं उठो नहीं थोड़ा सा पीछे सिक्योरिटी थोड़ा सा तब तो बनेगा में कैच करते हुए बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं हमारे उद्यान विभाग को। मुझे आज के इस प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी का राजभवन में उद्घाटन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रकृति के प्रति हम सब के भावनाओं को प्रदर्शित करता है इस प्रकार का अभियान। व्यक्ति जितना प्रकृति के नजदीक रहेगा उतना ही स्वतंत्र और उतना ही रचनात्मकता से वह परिपूर्ण भी। मुझे प्रसन्नता है कि विगत कई दशकों से जो परंपरा फल साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस राजभवन में चली आ रही है उस उद्यान विभाग ने उस परंपरा को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जब हम यहाँ पर प्रकृति के अत्यंत नजदीक जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं, ये वास्तव में किसानों की समृद्धि से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। हम सब जानते हैं कि सामान्य और परंपरागत रूप से जब किसान परंपरागत खेती करता है तो उसकी आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती। हम लोग देखते हैं जो किसान सामान्यतः धान या गेहूं का उत्पादन करता है तो मुश्किल से वर्ष में एक एकड़ में 15,000 से 25,000 रुपए ही वह कमा पाता है। लेकिन अगर वही किसान साग भाजी फल या पुष्प के उत्पादन के साथ अपने आप को जोड़ता है, एक एकड़ खेती में वह 1,00,000 से लेकर 1.5-2 लाख तक का आय स्वयं अर्जित कर सकता है। जो किसान एक एकड़ में 1,00,000 से ऊपर की आय अर्जित करे तो स्वाभाविक रूप से खुशहाली उसके जीवन में आएगी ही आएगी, और इस प्रकार की प्रदर्शनी उस खुशहाली को लाने के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं उद्यान विभाग को, उद्यान मंत्री को इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ।